पहले कॉलर है महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। सर मैं वो सिरका ले रहा हूँ, जैतून का सिरका, को हर ब्लॉकेज होगा था तो ऑपरेशन होगा था, मैं दो ब्लॉकेज निकाला, एक बाकी है तो उसके लिए ले रहा हूँ एक एक चम्मच। वो पहला ले रहा था लेकिन वो नया नया ऑपरेशन था तो मेरे हर में पेन हो रहा था, वो बंद किया था तो अभी मैं एक एक चम्मच ले रहा हूँ ठंडे पानी में, तो दिनार ले रहा हूँ एक एक चम्मच, तो अभी मेरा तकलीफ नहीं हो रहा। लेकिन मैं वो कितना दिन मतलब खराब होता है नहीं होता है, और जो मेरे को हार का जो गोली चालू है वो डॉक्टर ने मतलब हमेशा के लिए चालू रखने का बोला है, तो उसके लिए कुछ नुकसान ना हो उसके लिए मैं और कौन सा सिरके के साथ दवा ले सकता हूँ? ठीक जी, देखिए बहुत मुबारक, आपके दो ब्लॉकेज तो खुल गए हैं और ये आप 6-7 महीने तो लें और डॉक्टर का इलाज भी लें, लेकिन कुछ दिन बाद ये दवा भी छूट जानी चाहिए और डॉक्टर की दवा भी छूट जानी चाहिए, फिर आपको तकलीफ तो ख़त्म हो गई काफ़ी, और अभी भी एक ब्लॉकेज आप बता रहे हैं, बाकी ये दो खुल गए हैं, तो ये सिरका जैतून का या कलौंजी का आपको लेना है और जब तक पूरे ब्लॉकेज ना खुल जाए जब तक लेना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सर्जरी से बेहतर आप ये पी लिया करें, और जब आप एक एक चम्मच ले रहे हैं क्योंकि आपको परेशानी है, फिर दो चम्मच भी लेकर देख सकते हैं आप, और इसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला के ले सकते हैं, लेकिन इसे छोड़े नहीं जब तक आपके बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज क्लियर ना हो जाए, आपको डॉक्टर कह ना दे कि आप बिल्कुल अच्छे हैं। और ये ख़राब कभी नहीं होता सिरका, ये ख़राब कभी नहीं होता, आप अगर जब भी पिएंगे ये अच्छा रहेगा, और जितना पुराना होगा इतना अच्छा होता है, उतना तेज़ होता है। खूब अपना ख्याल रखें और आपको फ़ायदा हो तो ये सबको बताएं कि ऐसा भी इलाज है जिससे हम बग़ैर ऑपरेशन के अच्छे हो सकते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आदाब, जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। कैसे हैं भाई साहब? बस आपको याद कर रहे थे, आपका फोन आ गया। हाँ भाई साहब, आज मैं 4-5 दिन की बात कच्ची करूंगी क्योंकि मेरा फोन न गया ही नहीं तो मैं भाई साहब 4-5 क्वेश्चन करूंगी छोटे छोटे। एक तो मतलब फायदे के बारे में बता रही हूँ, ये यूरिन इन्फेक्शन परसों 31 तारीख को वो एक अम्मा बोल रही थी ना कि उनको बहुत ज्यादा जलन है, तो वो साथ में अलवीरा ले तो मैंने दिया अपनी जानकार को, तो बहुत जल्दी 15 दिन में उनको ना 2-3 खुराक में काफी आराम हो गया, उनको बहुत सालों से जलन थी इस नुस्खे के साथ। जतून का नमक और यो बताया था आपने, ठीक है बहुत शुक्रिया। और क्या सवाल है? और सवाल ये है भाई साहब कि क्या जो शरबत आपने बताया कंठ में वो टोंसन के लिए, किसी को कभी कभी हो तो वो भी ले सकता है, कैसे ले? और टोंसिल के लिए दयावती जी? हाँ टोंसन के लिए मैम, कभी कभी होता है ना तो हाँ। वो भी ले सकता है क्या? क्या क्या चीज ले सकता है? तो क्या शरबत बताया था भैया ने सुबह के टाइम पर सू? हाँ तूतसिया, तूतसिया जी ले सकते हैं, और बगैर जो रोगी नहीं है वो भी ले सकते हैं। शहतूत का बनता है शरबत, शहतूत भी कहते हैं हमारे जबान में, इसे तूतसिया कहते हैं शरबत, तूतसिया। अच्छी कंपनी का कोई ख़रीद कर और पिया करें, एक गले के टॉन्सिल्स के रोगों में बड़ा काम आता है, और माजून आर केयर भी इसके साथ ले तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है जी। अगला सवाल आपका? अगला सवाल ये है भाई साहब, मैम ये आपके लिए है, भाई साहब उस दिन बोल रहे थे ना कि आप मतलब प्रोग्राम में हमारे साथ रहना, शादी करके कभी चले ना जाओ तो मैं आपसे कहती हूँ आप अपना ये छोड़ना मत, क्योंकि बच्ची इतनी मेहनत करती है और उस पे
उसका एक नाम होता है, पहचान होती है, तो आपका एक परिवार हो गया ये सब। अरे भाई साहब का तो है, हम कितनी बहने इकट्ठी हो गए, तो आपके लिए भी हम आशीर्वाद देते हैं, अपनी पहचान को कभी खत्म मत करना, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से कमाई जाती है। और एक बार और कह रही हूँ भाई साहब, ये भाई साहब सुबह बोल रहे थे ना कर्नल भाई साहब कि आप रिटायरमेंट ना ले हो, तो भाई साहब हम तो सहमत थे, साथ में वे भी बोलने लग गए कि मत ले हो, तो अभी तो आप करते रहो, 80-85 साल तक आप आराम से, भगवान ने शक्ति दी है आपको। हाँ देखिए, कर्नल साहब पहले व्यक्ति थे जो जिन्होंने कहा कि आप रिटायरमेंट ले लो, मैंने उनसे ये बात कह भी दी सुबह के प्रोग्राम में, और अब सबसे ज़्यादा मुखालफत वही कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा आप कर्नल थे फौज के और आप ये बेईमानी कर रहे हैं, आप अपनी सज़ा खुद मुकर्रर कर लो। लेकिन ये सब मोहब्बत की बातें हैं आपकी भी और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ऐसा कहते हैं, वरना किसको किसकी चिंता, किसको किसकी फिक्र। और मैं भी बस देखिए कब तक आपके साथ हूँ, और ये भी जाने कब तक हमारे साथ हैं, क्या होगा, सबको अपने अपने सफ़र पर जारी रखना है। देखिए कब तक सेवा कर पाता हूँ आपकी, बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल हो तो बताइए। बस भाई साहब इतनी बातें करनी थी, कई दिन की बात इकट्ठी हो रही थी मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया दयावती जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैम कोशिश यही रहेगी कि सर के साथ जैसे आप लोग बने रहते हैं, मैं भी हमेशा बनी रहूं, और आप जितनी दुआएं हमें देती हैं उससे कई ज़्यादा दुआएं हमारी तरफ से आपके लिए निकलती हैं। आप ऐसे ही अच्छी रहें और खुश रहें और सेहतमंद रहें। अगले कॉलर हैं हमारे साथ हैदराबाद से, रुबीना जी स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, स्वागत है रुबीना जी आपका, खैर मकदम है। सर आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही सर, हम जैसे नए व्यूअर्स को भी आप चांस दीजिए सर। क्या सर हम जी सर हम आर्टिस्ट हैं सर और आपके कदरदान हैं सर, आप इस सदी के महानायक हैं सर, तो हमने कुछ आर्ट बनाए हैं सर आपके लिए, आपकी तस्वीरें वगैरह हमने और मेरी बेटियां सब मिलके सर आपको भेजना है, तो आप नंबर आपका डिलीट हो गया सर, तो अच्छा ओहो बहुत शुक्रिया। मेरी तस्वीर कई लोग बनाते हैं और उसमें आपको भी शामिल होगा, क्या आर्ट है पता नहीं, कि हम तो बहुत छोटा समझते हैं ऐसे आर्टिस्ट के सामने अपने आप को, कि शैलजा ऐसे जी पेंसिल से बना देते हैं और हूबहू बना देते हैं जी, और मेरा तो बड़ा दिल चाहता कि मैं सीख लूं, लेकिन अब कहाँ बुढ़ा हो गया। लेकिन एक और खातून है जो मेरी तस्वीर बनाती है, अक्सर मैं फेसबुक पर डालता हूँ, वो अपने ब्रश से बनाती है, बहुत जल्दी बनाती है। एक आप हो गए और एक डॉक्टर थे, हैं अभी, थे नहीं बल्कि हैं, शुरू में उन्होंने मेरी तस्वीर बनाई, वो कभी मिले नहीं थे मुझसे और आप भी कभी नहीं मिले, और वो एक और खातून है वो भी कभी नहीं मिली, और इतनी मोहब्बत के उन्होंने मेरा एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनाया, इतना बड़ा कि मेरे उस पे लगा हुआ है, क्या कहते हैं, रिसेप्शन पे, बहुत बड़ा है। और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि जब मैं मुकम्मल कर लूँगा तो आपसे आके मिलूँगा, मैंने इजाज़त दी, तो वो बेचारे लेकर आए। अमरोहे के एक डॉक्टर हैं जो संगीतकार भी हैं, शायर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, प्रैक्टिशनर हैं, वो वहाँ से आए, मैंने उनको बहुत स्वागत किया, वो मेरे रिसेप्शन पे उनकी तस्वीर आज तक है। और आपका भी बहुत, देखो अच्छी होगी तो बहुत बहुत शुक्रिया, ख़राब होगी तो भी कुछ बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपके फ़न का पता चलेगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे रब्ता कायम रहे जी। हकीम साहब ये मोहब्बत
कहाँ ले जाएगी दर्शकों को नहीं समझ में आता, क्योंकि मैंने खुद आपके इतने सारे स्केचेस अब देख लिए हैं कि दर्शक इतना आपको पसंद करते हैं कि वो आपके लिए शायरी लिखते हैं, आपके स्केचेस बनाते हैं, एक ही तस्वीर को कई तरह से बनाते हैं। देखो, वाकई मैं इस मामले में शायद सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ जी कि मेरे साथ 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और उसमें वो इतने बड़े बड़े फनकार हैं कि मैं तसव्वुर करता हूँ, कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, कोई पेंटिंग बनाता है, और कहाँ से ये इल्म सीखते हैं, और मैं क्यों नहीं सीख सका, लेकिन मुझे परवाह नहीं, नहीं सीख सका, इतने लोग जुड़ गए हैं। ये तीसरा नंबर है आपका, और मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, और ज़रूर आपकी स्केच मुझ तक पहुँचेगी। बिल्कुल। पंजाब से हैं अगले कॉलर करण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्कार अक्षीन साहब। जय हिंद, स्वागत है भाई आपका। मैं आपको नुस्खा ले रहा हूँ हार्ट का, सिर के बड़ा, और अभी 1 महीने का रह गया मेरे पास। वैसे मैं ठीक ही हूँ अभी। कोई चेकअप कराया आपने उसके बाद? कितने दिन से ले रहे हैं? वैसे कितने दिन से ले रहे हैं? ठीक है ठीक है। एक मैंने वो पूछना था थायराइड के लिए, और एक वो कलौंजी का सिरका कैसे बनाए। ठीक है। अच्छा देखिए, थायराइड के लिए हमें चाहिए कि धनिया 300 ग्राम और आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम, मेथी का दाना, इसको पाउडर बनाएं, और इस पाउडर को 1 चम्मच सुबह खाएं खाली पेट। अपनी दवा भी खाते रहें जो थायराइड की है, और एक चुटकी नमक जैतून के साथ इसे इस्तेमाल करें। और देखिए, आप ठीक होने करीब हैं, अगर 1-2 महीने और भी लेना पड़े जो हार्ट ब्लॉकेज वाला नुस्खा, उसे आप ले सकते हैं। और देखिए, सब सिरके बनाने का अलग तरीका होता है। जैतून का सिरका, कलौंजी का सिरका, और हमारे YouTube चैनल है हकीम सुलेमान खान, उस पर हमने सारे सिरके बनाने ये सब सिखाए हैं। आप उसे सब्सक्राइब कर लें, और ये जितने भी बातें आपकी मेरी हो रही है, ये भी उस पर चली जाती है। आप अपनी बात, मेरी बात जो हुई है, अगर आप भूल जाएं तो उस पर आप दोबारा से देख सकते हैं। ये इसके चंक काट काट कर उस पर डाल देते हैं YouTube पर। हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और फ़ायदा उठा सकते हैं आप जी। लखनऊ से हैं ममता जी, स्वागत है आपका। अकीम साहब से बात कर रही हूँ जी। ममता जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। जय हिंद जी। नमस्ते सर। सर मेरा कल भी फोन मिल गया था तो, और आज भी मिल गया सर, बड़ी खुशी हो रही हमको जी। तो सर मुझे पूछना है मेरे सर। हेलो जी, आवाज आ रही है ममता जी, आप बयान कर रहे हैं। सर मेरे हस्बैंड को यूरिक एसिड और बीपी की प्रॉब्लम है। वो जब उनको प्रॉब्लम रहती है, दवा खा लेते हैं तो आराम मिल जाता है, लेकिन वो बार बार बनी रहती है, इसलिए चाहते हैं कि आप कोई बता दीजिए दवा। ठीक ममता जी, देखिए अलसी लें, 200-400 ग्राम ले लीजिए, सस्ती आती है अलसी, और इसको साफ करें, कंकर वगैरह भी बहुत मिला देते हैं इसमें, और हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। ये देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है, और कम से कम 10 बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। 10 बीमारियां, ये घर में रहना चाहिए, कोई रोगी हो या ना हो, ये घर में होना चाहिए, और अच्छे परिवार इसको रखने लगे हैं। तो अलसी को लेकर हल्का सा भूने, पाउडर बना के रख लें, ज़्यादा नहीं भूनना। और एक नमक जैतून आता है, वो ख़रीदें, वो अलग से रखें। एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालें,
और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में ये डाल लें, मिक्स कर लें, आराम आराम से मिक्स हो जाता है। और 1 चम्मच अलसी खाएं, 1/2 चम्मच या 1 चम्मच, और ये 2 गिलास पानी पी लिया करें 1 बार या 2 बार दिन में। बहुत परेशानी है तो 2 बार। तो ये किडनी के सिस्टम को अच्छा करता है, जो किडनी की जिम्मेदारी है कि वो यूरिक एसिड ज़रूरत के मुताबिक रोके, उससे ज़्यादा पास कर दे। लेकिन जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो ये नस्खा उसको ज़िम्मेदार बनाता है। फिर इसकी और भी जिम्मेदारियां हैं किडनी की, कि क्रिएटिनिन ना बढ़े, यानी गंदगी जो किडनी में होती है, आलूदगी, वो ना बढ़े, तो उसको भी मतलब उसके सिस्टम को अच्छा करता है। फिर लीवर को बिल्कुल तंदुरुस्त कर देता है। जैसे धो मांज के रोज़ाना आप बर्तन रोज़ाना आप बिल्कुल नए जैसे कर देते हैं ना, ऐसे लीवर, किडनी, दिल और इसको ऐसे धो मांज के करता है। कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है तो खून को साफ करता है, और एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, इन्फेक्शन और स्किन की प्रॉब्लम, कोई दाने निकलते हो, खुजली निकलती हो और मुहासे निकलते हो, चेहरे पे मुहासे निकलते हैं, वो बेहिसाब ताकत, यहाँ तक कि तेज़ी से काम करता है, यहाँ तक कि सोराइसिस तक के मरीज इसको ले सकते हैं जी।